और इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बस्ती में नेशनल हाईवे 28 पर निर्माणाधीन ओवर ब्रिज अचानक ढह गया और इस घटना में एक शख्स के फंसे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। एनएचआई की घोर लापरवाही सामने आई है। नेशनल हाईवे 28 पर निर्माणाधीन ओवर ब्रिज ढहा है। सुबह 7:30 बजे यह हादसा हुआ, ओवर ब्रिज गिर गया। इस घटना में एक शख्स के फंसे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। करोड़ों की लागत से ये पुल का निर्माण किया जा रहा था लेकिन इससे पहले ही ये ढह गया। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। यूपी के बस्ती का ये पूरा मामला है, आवागमन बाधित हो गया है, एनएचआई की गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, टोटल न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर ये हादसा हुआ। सुबह 7:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। आकाश शेखर शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर। आकाश, स्थिति क्या है वर्तमान की? देखिए विवेक, ये जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि 7 से 7:30 बजे के बीच का ये मामला है। बेसिकली जो जो ब्रिज बन रहा था उसमें जो शटरिंग का काम था, शटरिंग जो थी वो पूरी तरीके से बीच की पूरी ढह गई। कारण क्या है वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन उसमें कैजुअलिटी को बहुत ज्यादा नहीं हुई है। एक व्यक्ति दब गया था जिसको तुरंत क्वार्डन ऑफ कर लिया गया था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि खुद जो बस्ती के डीएम है राजशेखर वहां पे मौके पे मौजूद है। काफी दूर तक जाम लग गया था, डायवर्जन किया गया है हुआ है। फैजाबाद और गोरखपुर की तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है और जो जाम है उसको धीमे धीमे मूव करा दिया जा रहा है। जैसे कि डीएम का कहना है कि उनकी एनएचएआई के अधिकारियों से बात हुई है और उनकी टीम वहां मौके पर पहुंच रही है। वास्तविकता क्या है ये जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये सबसे बड़ी एक तरीके से कहा जाए एनएचएआई के अधिकारी और जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा ये पूरी तरीके से एक लापरवाही है जो सामने आई है। अभी जब शटरिंग गिर गई है, कल को पता चलता कि रोड बन गई होती और ये फुट ओवर ब्रिज तब गिरता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि कैजुअलिटी की अगर बात करें तो केवल एक व्यक्ति था जो गंभीर रूप से घायल हुआ था, उसको तुरंत वहां से रिलीफ पहुंचा करके उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। जी जी, शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो जो व्यक्ति फंसा हुआ था उसको बाहर निकाल लिया गया है। बड़ा हादसा, बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि यूपी के बस्ती का ये पूरा मामला है जहां ये निर्माणाधीन ओवर ब्रिज जो कि बनाया जा रहा था लेकिन इससे पहले कि ये पूरा होता ये गिर गया। गिर क्यों गया, वजह क्या रही, लापरवाही क्या रही, ये सब जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो देखने को मिल रहा है लापरवाही जरूर बरती गई थी और यही वजह है कि ये ओवर ब्रिज बनने से पहले ही गिर गया। एक व्यक्ति इसमें फंस गया था जिसको समय रहते बाहर निकाला गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अभी इससे पहले बनारस में भी एक ओवरब्रिज का एक हिस्सा टूटा था, एक पिलर टूटा था जिसके चलते कई लोगों की जान भी गई थी और अब ये बस्ती में हो रहा है। तो आखिर लापरवाही किसकी है? उधर भी एनएचएआई का के द्वारा जो बनाया जा रहा था पुल उसका एक हिस्सा गिरा, तो यहां भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है।